प्यारे वतन हिंदुस्तान में जहां गाय की हत्या को लेकर के और पशु को परेशान करने को लेकर के एक तरफ मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, और आपसे ही नहीं ये सपा सरकार बसपा सरकार कांग्रेस सरकार में बनाया गया है और ये सिलसिला बहुत पुराना चला रहा है। वो अलग बात है कि कोई किसी पार्टी को सराहने के लिए उसकी बात को वहीं दबा देता है, कोई किसी की बदनामी करने के लिए पुरानी वीडियो उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, दिखाते हैं कि देखे भाजपा सरकार में मुसलमानों पर क्या कुछ खाने पीने का किसके। पर हर मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि सरकार में क्या हो रहा है किसमें नहीं हो रहा, सभी सरकार में मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी रहा है और आज भी सिलसिला जारी है। लेकिन मैं बात करूंगा गाय की सुरक्षा क्या है। गाय सुरक्षा को लेकर के जो गाय के नाम पर सियासी रोटी सेकते हैं, गाय के नाम पर अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, गाय पशुपालन को रखा है, गायों का क्या हाल है मैं आपको दिखाता हूँ। दिल्ली के सदर बाजार में गाय पालने वालों ने क्या हालत बना रखी है, गाय किस तरह से भूखी है, उनकी कोख किस तरह से पिचकी पड़ी है, तब यानी कि दबी पड़ी है, भिजी पड़ी है। भूखी गाय जो रात को नीचे गिरी पड़ी सड़ी रोटी को खा करके और अपना पेट भर लेती हैं, उन गायों का दूध जो है गाय इन्हीं आवारा गांव को इकट्ठा करके जहां पर बांधी हुई दिखा रखा हूं मैं आपको, वहां पर सुबह को दूध निकाल करके सप्लाई कर देते हैं। क्या उन गाय वालों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जब वे दूध वे पीते हैं, इसका दूध निकाल कर बेचते हैं, उससे अपना घर का चूल्हा चला रहे हैं, तो क्या गाय के नाम पर कमाई करना जानते हैं तो उन गाय का खर्चा कौन उठाएगा, उन गाय को कौन खिलाएगा, उसको चारा कौन खिलाएगा। गवर्नमेंट इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, दिल्ली सरकार ने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि गौशाला वे तरीके से जो गौशाला खुली हुई है सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रखा है, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो भी कोई सरकार होती है मदरसा मस्जिद मंदिर धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करती है और उनकी जांच करने की बात करती है, लेकिन किसी भी तरह का जमीनी काम होता नजर नहीं आया। आइए देखे बुलंद संदेश न्यूज पर गाय की क्या हालात है। सदर बाजार के इलाके में, सदर बाजार की मेन मार्केट में गाय जो बंधी हुई है और धूप में कैसी टिमटिमाती धूप में गाय के क्या हालात हैं, मासूम बच्चे जो गाय के बच्चे हैं छोटे छोटे उनके क्या हालात है, ये देखिए बुलंद संदेश न्यूज पर। मैं जाजा जी, जुड़े रहिए बुलंद संदेश न्यूज के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए और अपने इलाके की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9411285849 पर संपर्क करें। ये सदर बाजार है और सदर बाजार में गली लालू मिश्रा सदर बाजार वाली गली है, इसमें गाय पालने के लिए एक तरह से पशुपालन व गौशाला सा बना रखा है, जिसकी वजह से यहाँ गोबर कम की काफ़ी होती है, इसी के साथ साथ लोगों को समस्या भी होती है। और ये गाय किस कदर भूखी है, ये पेट इनके किस तरह से पटके दिखाई दे रहा है, सबको बांध के डाल रखा है। यहाँ पर आसपास के लोग कुछ खिला देते हैं वरना भूखी है, यहाँ पर कोई खाने पीने का किसके पास भी कोई इंतजाम नहीं है। सारी की सारी गाय आपको नज़र आ रही हैं, सब भूखी हैं, सब भूखी हैं।